मंडल न्यूज के सभी दर्शकों को दीपोत्सव पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। करीब 2 वर्ष के अंतराल पश्चात दीपावली के पर्व पर लोगों में त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और इस समय बाजार में दीपावली की खरीदारी जमकर चल रही है, जिसके चलते पूरे शहर में रौनक और गहमागहमी वाला माहौल है। साथ ही अब कल लक्ष्मी पूजन का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए शहर सहित जिले में तमाम तैयारियां पूरी हो गई है। आज रविवार रहने के बावजूद शहर सहित जिले में आभूषण से लेकर मिट्टी के दिए तक की बिक्री का कारोबार काफी जोरदार रहा और सराफा बाजार में मंदी के बादल छट गए। एक अंदाज के मुताबिक आज करीब 1,500 किलो से अधिक चांदी विभिन्न स्वरूप में बिकी। वहीं चांदी का 5 किलो का सिक्का न केवल चर्चा का विषय रहा बल्कि बिक्री में भी भाव खा गया। एक प्रमुख ज्वेलर द्वारा बनाए गए 3.25 लाख रुपए के सिक्के की चांदी निवेशकों द्वारा जमकर खरीदारी करने के समाचार हैं। वहीं दूसरी ओर सोने के प्रमुख व्यापारियों ने भी रविवार को अच्छी बिक्री होने की जानकारी दी। एक मोटे अनुमान के तौर पर विगत 2 दिनों के दौरान अमरावती शहर में 18 से 20 किलो सोने का कारोबार हुआ है। प्रदेश के अनेक हिस्सों में अभी भी बारिश का दौर जारी रहने से जहां दीपावली का उत्साह थोड़ा कम हुआ, वहीं खेती किसानी विशेषकर फूलों के उत्पादन पर भाव और बिक्री का काफी असर पड़ा। हमेशा 100 से 150 रुपए किलो बिकने वाले गेंदे के फूल इस बार 25 से 30 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। कुछ पर मौसम की मार है, वहीं कहीं कहीं गेंदे की बहुत ज्यादा पैदावार की वजह से भी गेंदे के दाम घट गए हैं। कोरोना के 2 साल बाद इस बार दीपावली पर्व पर नागरिकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और बाजारों में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ है। धनतेरस से इसमें काफी इजाफा हुआ है और पटाखा बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नागरिकों के इस उत्साह को देखते हुए इस वर्ष जिले में करीब 25 करोड़ रुपए की आतिशबाजी होने की संभावना जताई जा रही है। विगत कुछ दिनों से सोने के दामों में गिरावट चल रही है, लेकिन दीपावली के बाद दाम बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में दीपावली और धनतेरस का योग साधते हुए कई लोग सोना खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं दीपावली के बाद सोना महंगा हो सकता है। यूं तो झाड़ू या बुहारी हर घर में होती है और घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू का उपयोग किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। ऐसे में दीपावली पर झाड़ू व बुहारी की जमकर खरीदारी होती है, लेकिन कई पीढ़ियों से झाड़ू बनाने का व्यवसाय करने वाले लोग भाग आज भी गरीबी में ही जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें झाड़ू की कीमत यथोचित अदा नहीं होती। परंतु इसके बावजूद वे लोग केवल परंपरा को कायम रखने के लिहाज से इस व्यवसाय को कर रहे हैं। अपनी पढ़ाई लिखाई तथा नौकरी व कामकाज के निमित्त बाहर गांव रहने वाले लोगों की अब दीपावली पर अपने अपने घर परिवार में लौटने की गड़बड़ी शुरू हो गई, जिसका सीधा असर सार्वजनिक यातायात के साधनों पर दिखाई दे रहा है। इस समय राज्य परिवहन निगम की सरकारी एसटी बसों के साथ ही निजी ट्रेवल्स और लग्जरी बसों तथा सभी रेलगाड़ियों में यात्रियों की खचाखच भीड़ है और निजी बसों व रेलगाड़ियों में टिकट व जगह मिलना मुश्किल हो गया है। दीपावली पर्व के समय पुणे से अमरावती आने के लिए काफी भीड़भाड़ रहती है। इस बात के मद्देनजर एसटी महामंडल ने पुणे से अमरावती आने के लिए विशेष बस सेवा शुरू कर दी है। 19 अक्टूबर से शुरू की गई इस बस सेवा के आज 5वें दिन कुल 26 बसें पुणे से अमरावती व अमरावती से पुणे के लिए छोड़ी गई, जिसका करीबन 1,040 यात्रियों ने लाभ उठाया। आमतौर पर दिवाली में पटाखे फोड़ने पर प्रदूषण का राग अलापा जाता है तथा कई पर्यावरणवादी इसे लेकर होल्ला मचाते हैं। ऐसे में वन विभाग ने पर्यावरण पूरक नई तरकीब अपनाई है, जिसके तहत बीज युक्त पटाखे बनाए गए हैं जो जमीन में गाड़ने के बाद आग लगाने पर फूटते हैं। इसके बाद उसमें रखा गया बीज जमीन के अंदर चला जाता है, जो कालांतर में अंकुरित होता है। परसों मंगलवार 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के कारण शहर के सभी प्रसिद्ध देवालय सुबह से ही बंद रहेंगे, जिसे लेकर आज सभी प्रमुख मंदिरों के सामने सूचना पट लगा दिए गए, जिनमें मंगलवार को शाम 6 बजे के बाद मंदिर के पट खुलने की सूचना दी गई है। अमरावती में खंडग्रास सूर्य ग्रहण का नजारा दोपहर 2 से 3 बजे के दौरान दिखाई देगा, लेकिन इससे 12 घंटे पहले यानी तड़के 2 बजे से ग्रहण का सूतक लग जाएगा और ग्रहण छूटने के बाद शाम के समय पट खुलेंगे। जिलाधीश पवनीत कौर ने एक लिखित आदेश पारित करते हुए जिले के सभी बैंकों को शनिवार को अपना कामकाज शुरू रखने का आदेश दिया था, लेकिन जिलाधीश के इस आदेश का अवमान करते हुए चंद्र बाजार तहसील क्षेत्र के सभी बैंकों के शाखा कार्यालय बंद रहे, जिसकी वजह से क्षेत्र के खाताधारक किसानों को एन दीपावली पर्व के मुहाने पर कई समस्याओं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बालासाहेब की शिवसेना के अमरावती जिला प्रमुख अरुण पटोले ने अमरावती तहसील प्रमुख पद पर शिराला गांव निवासी मंगेश कालमे की नियुक्ति की है। कल 22 अक्टूबर की शाम 7 बजे शिराला गांव में आयोजित कार्यक्रम में मंगेश कालमे को तहसील प्रमुख पद पर नियुक्ति का पत्र सौंपा गया।
जनता सहकारी बैंक का नया संचालक मंडल चुनने हेतु कराए गए चुनाव में अविनाश बदुकले के नेतृत्व वाले जन विकास सहकार पैनल के सभी प्रत्याशी विजयी रहे। एक तरफा जीत हासिल करने के चलते जन विकास सहकार पैनल के विजयी प्रत्याशियों और समर्थकों ने चुनावी नतीजे घोषित होते ही जमकर जीत का जल्लोष मनाया। शेगांव और आठगांव प्रभाग के विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से प्रलंबित समस्याओं और दिक्कतों को लेकर भाजपा के शहर उपाध्यक्ष धीरज बारबुद्दे ने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर मनपा कार्यालय के सामने आंदोलन करने की घोषणा की थी। पश्चात मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने इस विषय को लेकर भाजपा के शहर उपाध्यक्ष धीरज बारबुद्दे के साथ चर्चा की और जल्द से जल्द क्षेत्र की समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद इस प्रस्तावित आंदोलन को पीछे लेने की घोषणा की गई। विजय स्कूल फॉर एक्सीलेंस की कक्षा पांचवी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने हाल ही में भानखेड़ा रोड स्थित मातोश्री वृद्धाश्रम में जाकर वहां रहने वाले वृद्ध जनों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। इस उपक्रम के तहत विजय स्कूल के छात्र छात्राओं ने आपस में ही पैसे जमा करते हुए इसके जरिए मातोश्री वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों हेतु दीपावली के लिए कपड़े व मिठाई खरीदने के साथ ही कंबल व अन्य जरूरी वस्तुएं खरीदी, जिनका दीपावली से पहले वृद्धाश्रम जाकर स्नेह पूर्वक वितरण किया गया। कल सोमवार 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे शंकर नगर परिसर स्थित सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के गंगा सावित्री निवास स्थान पर बड़े अनूठे ढंग से दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें राणा दंपति द्वारा दिव्यांगों, निराधारों व बुजुर्ग नागरिकों तथा अनाथ बच्चों को दीपावली पर्व के निमित्त किराना किट फराल व महिलाओं को साड़ी चोली देकर उनके साथ दीपावली पर्व मनाया जाएगा। संत वासुदेव महाराजा ज्ञानपीठ संस्था अंतर्गत कार्यरत मध्यस्थी वरवधु सूचक मंडल तथा विदर्भ वैभव मंदिर की अमरावती शाखा द्वारा आगामी 29 अक्टूबर को सकल मराठा समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों हेतु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन शनिवार की सुबह 10 बजे शेगांव नाका चौक स्थित अभियंता भवन में होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली गई है, जो बहुत जल्द महाराष्ट्र में पहुंचने वाली है। ऐसे में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की ओर से इस पदयात्रा को लेकर जोरदार तैयारी शुरू है। अमरावती विभाग के वाशिम, अकोला और बुलढाणा से राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा गुजरेगी। इस यात्रा में क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं, समर्थकों व आम जनता से शामिल होने का आह्वान कांग्रेस की विधायक सुलभा खोड़के द्वारा किया गया है। शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के आदेश पर पश्चिम विदर्भ समन्वयक अरविंद नेरकर के मार्गदर्शन में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अंजनगांव बारी जिला परिषद सर्कल में शिवसैनिकों की एक नियोजन बैठक हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सभी प्रमुख पदाधिकारी व शिवसैनिक उपस्थित थे। मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती ने वसु बारस के पर्व के उपलक्ष्य में गोधन की स्थिति को देखा और लंपीग्रस्त मवेशियों को विलगीकरण में रखे जाने का सुझाव मनपा उपायुक्त व पशु संवर्धन अधिकारी को दिया था। वसु बारस पर्व के उपलक्ष्य में ऐसे पशुओं की हालत को देखते हुए तुषार भारती ने इन पशुओं का पूजन भी किया। जिला महिला अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में आग लगने की घटना की जांच पूरी हो गई है। इस मामले में वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी शीलर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपना जवाब दिया है और जिलाधीश कार्यालय से आग की घटना को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट पर निवासी उप जिलाधीश विवेक घोड़की का कहना है कि लाइट जाने के बाद जब लाइट वापस आई तो उस समय वेंटिलेटर में आग लग गई। इस समय परतवाड़ा के गुजरी बाजार और सदर परिसर में शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों की दीपावली के पर्व पर खरीदारी के लिए अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है, जिसकी वजह से यहां पर कई बार ट्रैफिक जाम वाली स्थिति बन जाती है। ऐसे ही कल ट्रैफिक जाम के समय अंतिम यात्रा लेकर स्मशान की ओर जा रही एक शववाहिका भीड़ में फंस गई, जिसके बाद रास्ता क्लियर होकर शववाहिका को आगे बढ़ने में काफी समय लगा। ऐसे में अंतिम यात्रा में शामिल लोगों सहित सड़क के आसपास मौजूद लोगों को काफी देर तक ट्रैफिक जाम में अटके रहना पड़ा। ITI व पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे दो युवकों ने अपराध की दुनिया में कदम रखते हुए चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू किया और दोनों ने अकोला शहर में 8 स्थानों पर चेन स्नेचिंग की, जिसके बाद ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने आकाश सूर्यवंशी व दीपक सरसाठ नामक दोनों चोरों को गिरफ्तार किया। पत्नी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के मामले में पुरस्कृत की अदालत ने अमरावती के पुलिस सब इंस्पेक्टर भारत लसनते को 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के गजानन नगर परिसर में अशोक वाटिका में रहने वाले अंकेश वासनिक को 2 से 3 लोगों ने अकेले घेरकर हमला बोला और उसके सिर पर चाकू से वार करते हुए उसे जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के गणपति नगर की गली में मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 अज्ञात युवकों ने एक महिला के गले पर झपट्टा मारकर 10 ग्राम वजन का सोने का मंगलसूत्र लूटा और फरार हो गए। गाड़गी नगर पुलिस थाना क्षेत्र के एक महाविद्यालय के पास लगे होल्डिंग को पोल समेत खोदकर 1,08,000 रुपए कीमत का माल चुरा लिया गया। अमोल सोनी नामक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की है। लोन मंजूर होने का प्रलोभन देते हुए अमर साहू नामक युवक के साथ 20,297 रुपए की धोखाधड़ी करने की घटना कल शुक्रवार की दोपहर नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के चेतनदास बगीचा परिसर में उजागर हुई। वापसी की बारिश की वजह से खेती किसानी में हो रहे नुकसान को देखते हुए अक्षय भोयर नामक युवा किसान ने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली। यह सनसनीखेज घटना धामनगांव रेलवे तहसील के निम्बोरा गांव में घटित हुई।
घाटंजी तहसील के बिलोरा में रहने वाले प्रेमी युगल वाकी दुधान के खेत में गए। बातचीत के दौरान दोनों के बीच अचानक विवाद हुआ, जिसके बाद प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के गले पर चाकू मारकर उसका गला काट दिया और उसे मृत समझकर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यवतमाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाशिम जिले के बनोजा स्थित संत गजानन महाराज मंदिर में एक चोर ने रात 1 बजे घुसकर दानपेटी फोड़ी और रकम चुरा ली। दानपेटी में करीब 50,000 रुपए से अधिक की राशि जमा थी। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।